हर वीडियो में पूछते हैं संगीता आपका पेमेंट आया कि नहीं, तो उनका भी पूछना अच्छी बात है। तो हर आप सब जोड़ सकते हैं कितना रुपया बनता है। रख देते हैं, बांध देते हैं इसको। तो यहाँ गुंजन ले जा रही है, काट के लाई, तुरंत बांध दी। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जो दीदी भैया हमारे चैनल पे नए होंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना ना भूलिएगा। तो लास्ट तक वीडियो देखना प्लीज़, आपको अच्छा लगेगा। नमस्ते। तो नहा ली हूँ और यहाँ पर बर्तन धुल के रख दी हूँ, कपड़ा धुल रहे हैं, दो बाल्टी कपड़ा है, धुल लेते हैं। अभी बर्तन रखवाएंगे, पहले कपड़ा धुलना बहुत ज़रूरी है। यहाँ किचन गार्डन का सिंचाई कर दी हूँ। तो यहाँ पर मूली लगा है, यहाँ पर भिंडी और यहाँ पर बोड़ा, देखिए सींच दी हूँ। कपड़ा धुल लेते हैं। तो यहाँ पर हम मसाला को पीस रहे हैं, सब बाकी है पीसने के लिए। तो उधर साइड पूरा कपड़ा फैला दी हूँ और इधर फैला रहे हैं। तो अब कपड़ा धुलते ही कुर्सी पर रखते हैं, सब अच्छी तरह से पानी निकल जाता है, नहीं ठंडी के मौसम में तो 4 घंटा उसको पानी ही चाहे, यहीं को फैला देते हैं। चलते हैं किचन में। तो बर्तन धुल के रखी थी, कपड़ा भी धुल दी, झाड़ू भी लगाई। ये सब्जी कुंदरू और आलू का आज बनेगा। यहाँ पर चाय हमारा उबल रहा है। तो आ गई किचन में, अब चलते हैं सब्जी का रखते हैं, सबको चाय देते हैं। तो दाल उतार के नीचे रख दी हूँ, सब लोग चाय पी चुके हैं। यहाँ पर हमारा चावल पक गया है, चावल पक गया। कुंदरू आलू की सब्जी तड़क दी हूँ, नमक मसाला सब डाल दिए हैं। तो हल्का सा पानी डाल देते हैं, नहीं तो जलने लगेगा। कम तेल में सब्जी पका रहे हैं, वैसे कुंदरू की सब्जी में पानी नहीं डालना चाहिए। सब्जी को ढक देते हैं, चावल को भी ढक देते हैं। चावल हमारा पक गया है, तो इधर सब्जी पकेगा और चावल दाल पक गया है। अब चलते हैं बकरी को ले जाते हैं खेत में। तो यहाँ शीतल बकरी को खोल दी है, ले चलते हैं हम सब खेत में, भाग रही है। दोपहर के समय पीती हैं, सुबह सुबह नहीं नहीं पिएगी। तो ले चलते हैं, अभी शीतल एक खोल रही है, खुल ही नहीं रहा है। पानी पिला रही थी, नहीं पी, कटोरी में रखा हुआ था पीली। ले चलते हैं अब खेतों में, यहाँ बाल्टी में भी पानी खोज रही है। खाना खाने बैठ गए हैं। मस्त खा लीजिए, उड़द दाल, मटर दाल से खा लीजिए। तो रोटी हम ही को दी है गुंजन, बाकी रोटी कोई नहीं खाया, 4 रोटी बना है। तो अंजलि सही से खाओ ना, पूरा मिला लेती है खाना। तो हम भी चलते हैं, खाते हैं। खाकर बहुत अच्छा लगा, तो सबको बहुत मीठा लगा, बहुत मीठा लगा। तो दोस्तों खाना बनाने के बाद में, और तो यहाँ पर आ गई हूँ। तो आज भी बनाई इतना सारा, और इसलिए बना रहे हैं कि बारिश के मौसम में जाएंगे कहाँ झाड़ू खरीदने। अभी काट लाई हूँ, तो कल 5 बनाई थी, आज 3, 6, 7, 7, 5, 12 झाड़ू पूरा बना दी हूँ। देखिए कुछ इस तरह, इतना सारा अभी फिलहाल बनाना है। और यहाँ पर गुंजन बैठी हैं, तो आज भी बनाई, तो आप सबको कल वाले वीडियो में दिखाई थी, तो ज़्यादा आज वाले में नहीं दिखाई, अच्छा नहीं लगेगा आप सबको कि कल भी वही दिखाई आज भी। तो यहाँ पर रखते जाएंगे, आज जाना है सब्जी लेने, ख़त्म हो गया सारा सामान। तो यहाँ पर उठा के सब रख देते हैं, बांध देते हैं इसको। यहाँ पर शीतल गुंजन ले गई है फैलाने, कल सुखवा ली थी, आज सुखवाई नहीं थी, वैसे तुरंत काट के लाई, तुरंत बांध दी। तो यहाँ पर सब एक लाइन से शीतल गुंजन फैला दी हैं।
तो दोस्तों झाड़ू बनाने के बाद में और गुंजन वहाँ फैलाई थी थोड़ा, एक घंटा मैं सोई, सोने के बाद में अब चलते हैं झाड़ू लगा लेते हैं। और बर्तन तो नहीं धुल पाएंगे, बर्तन या तो गुंजन धुलेंगी या तो शाम को आएंगे धुलेंगे, चल रहे हैं चौराहे पे। हम तो गेहूँ सुखवा चुके हैं, डहरी में रखने वाले हैं, दिखाएंगे आप सबको। तो कल मैं झाड़ू बनाई थी, सभी भाई बहन को बहुत अच्छा लगा, कमेंट बहुत अच्छा से आया। और वैसे वीडियो का रीच घटा हुआ है, बहुत कम चल रहा है। दोस्तों आपसे मैं क्या शिकायत करूं, नसीब का शिकायत है। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है और अच्छा ही होता है। जिस तरह कहते हैं जिस विधि राखे राम वही विधि रहना, तो कोई बात नहीं है। और हमारी एक बहन है कि भैया हैं, हर वीडियो में पूछते हैं संगीता आपका पेमेंट आया कि नहीं, तो उनका भी पूछना अच्छी बात है। तो हर महीने पेमेंट नहीं आता, जैसे $100 जब पूरा होगा तभी आता, कभी 2 महीना लग जाता है, कभी तीसरे महीने में आता है। तो $100 का आप सब जोड़ सकते हैं कितना रुपया बनता है। तो और दोस्तों वीडियो में आप सब नोटिस किए होंगे, मैं पूरा क्लिप पूरा करके बना नहीं पाती, क्योंकि बच्चे अब बड़े हो रहे हैं ना, तो वो सुनते ही नहीं। थोड़ा सा दिखाएंगे, बहुत चिल्लाना पड़ता है, दिखा दो दिखा दो, थोड़ा सा दिखाएंगे, उसके बाद में इधर उधर हो जाएंगे। तो यही हाल है, जैसा भी चल रहा है ठीक है। और नहीं आएगा पैसा फिर भी शौक के लिए बनाएंगे, आप सबका कमेंट पढ़ेंगे, आप सबका आशीर्वाद तो मिलेगा। तो चलते हैं, तैयार होते हैं, अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर बकरी को खेत से ले आए हैं चंदन, और चारा भी साथ में लाए थे, तो यहाँ बांध देती हूँ। सब लोग खाना खा चुके हैं और यहाँ पर बांध रही हूँ, तो साथ में छोटा वाला बच्चा भी खा रहा है, मेरा सब चारा खाएंगे। छोटा बंधा हुआ है, यहाँ अपने गांव से निकल रहे हैं। तो हम चंदन चौराहे के लिए निकल रहे हैं, चल रहे हैं, हवा तेजी से चल रहा है और के पास पहुंचने वाले हैं। तो थोड़ा तो यहाँ पर आ गए हैं दुकान पे, देखिए तरोई हरी सब्जी ताजा, यहाँ पर परवर, भैया यहाँ पर तौल रहे हैं सब। तो चंदन बैठा के लाए, वहाँ पीछे पीछे आ रहे हैं और हम चल रहे हैं अब अपने गांव पे पहुंच गए, यहाँ माता के मंदिर के पास। देखिए चलते हैं घर पे और आगे का वीडियो आ सको, चंदन पीछे पीछे आ रहे हैं और यहाँ पर आ गई। तो एक रास्ता इधर गया है, एक रास्ता इधर, इसी रास्ते से हमें जाना है। तो यहाँ पर गुंजन बर्तन धोने में लग गई, यहाँ पर शीतल हैं और बर्तन में नहीं धुली थी। तो शाम हो गया है कुछ इस तरह की, मैं बोली दोपहर के समय बर्तन धुल लेती, धूप था जब। तो घर पे आ गई हूँ, यहाँ अंजलि घूमने गई थी, अभी दौड़ के आई तो वहाँ पे हैं। बात चौराहे पे गई थी, वहाँ का थोड़ा लोकेशन आप सबको दिखाई और यहाँ पर सारा सामान खरीद लाई हूँ। तो आज चलते हैं, पूरा सामान रखते हैं पहले इसमें टोकरी में, आलू। तो यहाँ पर प्याज ले आई, जो छोटा प्याज है नीचे गिर रहा है। और तो यहाँ पर आधा किलो टमाटर ले ली थी, टमाटर को रख देते हैं आज, सामान ले आई इतना सारा, हमारा 3-4 दिन का सब्जी आराम से निकल जाएगा। हरी सब्जी बहुत कम लाई हूँ, मसाला पीसते नहीं हैं, यही पिसा पिसाया लाते हैं, हमारे यहाँ सबके यहाँ यही आता है। तो यहाँ एक आधा किलो अब की बार में ले आई, बार बार लाना पड़ता है, ख़त्म हो जाता है। हम यहाँ पे दाल को रख रहे हैं डिब्बे पे, दाल आधा किलो ही ला पाई अब की बार। पॉलीथीन देखिए इतना बटोर ली अंजलि, हर सामान में पन्नी में ही देते हैं। तो यहाँ पर सारा सामान रख दी, ले चलते हैं, पन्नी आया है। हम यहाँ पे सब रख रही हैं और हम यहाँ पर सब्जी रख दी।
तो दोस्तों आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो में कोई गलती होगा तो माफ़ करना। सब स्वस्थ रहिए, माता रानी आप सबको हमेशा खुश रखें, बस दिल से दुआ है। इसी तरह अपना साथ सपोर्ट बनाए रखना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।